दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एकदम बिल्कुल डिफरेंट तरह का रिव्यू। और हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है वो है एक साउंड बार, रेडमी का साउंड बार। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये रेडमी का साउंड बार दूसरे साउंड बार से काफी डिफरेंट है। दोस्तों अगर आपके घर पे एक स्मार्ट टीवी है या तो फिर एक एंड्रॉयड टीवी है तो आप बड़े ही आराम से इस रेडमी साउंड बार को अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने घर पे एक होम थिएटर जैसा इफेक्ट लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये Redmi का साउंड बार काफी है। आप बहुत ही आराम से इसे अपने स्मार्ट टीवी या तो फिर एंड्रॉयड टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें बहुत ही जबरदस्त साउंड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और आप इस छोटे से साउंड बार को देख रहे हैं बट इसके साइज पर मत जाइएगा दोस्तों, इसकी साउंड क्वालिटी एकदम ही जबरदस्त है। इतने स्लीक से डिवाइस से मुझे इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी दोस्तों, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं इस साउंड बार के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शुरू करेंगे एक और नया टेक वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे रेडमी के साउंड बार के बारे में। दोस्तों रेडमी का ये साउंड बार तो बहुत ही जबरदस्त है, पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडमी के साउंड बार के बॉक्स कंटेंट के बारे में। बॉक्स में सबसे पहले तो आपको मिलता है ये रेडमी का साउंड बार, और उसके साथ ही आपको मिलेगा रेडमी का ये यूजर मैनुअल गाइड भी। और दोस्तों इस बॉक्स में आपको मिलेंगे कुछ स्क्रू जिसके मदद से आप बहुत ही आसानी से इसे वॉल माउंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आपको इस बॉक्स में मिलेगा एक SPDIF केबल भी, जिससे आप बड़ी ही आसानी से इस रेडमी साउंड बार को अपने टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रेडमी के साउंड बार के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इसका डिजाइन तो बहुत ही स्लीक और प्रीमियम है, और इसके साथ ही अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो भी बहुत ही जबरदस्त है। ये तीनों तरफ से प्लास्टिक का बना हुआ है जो कि पॉलीकार्बोनेट है, और सामने आपको मिलेगा एक मेटालिक ग्रिल जिसके नीचे आपको मिलेंगे 5 स्पीकर्स। यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5। यूजुअली ये स्पीकर्स राउंड होते हैं बट यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर शेप के स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। ये 5 स्पीकर आपको टोटल 30 वॉट्स का बहुत ही जबरदस्त आउटपुट देते हैं, जिससे कि आपको गाने या किसी भी दूसरे कंटेंट को एक्सपीरियंस करने में एक अलग ही मजा आएगा। दोस्तों अगर हम इस Redmi साउंड बार के बैक के बारे में बात करें तो सबसे पहले मिलता है आपको एक SPDIF पोर्ट, और उसके ठीक बगल में आपको मिलता है एक ऑक्सिलरी पोर्ट भी, और इसके साथ ही इसमें एक केबल है जो कि इसे पावर के साथ कनेक्ट करता है, और ये केबल भी ऑलमोस्ट 1 मीटर से ज्यादा लंबा है, तो आप बड़े ही आराम से इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस Redmi साउंड बार को वॉल माउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 सॉकेट भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप बड़े ही आराम से इसे कहीं पे भी वॉल माउंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस Redmi साउंड बार को वॉल माउंट नहीं करना चाहते तो उसका भी ऑप्शन है। इसके नीचे दिए गए हैं 2 रबर ग्रिप जिससे कि आप इसे किसी भी सरफेस पे बहुत ही आराम से रख सकते हैं और ये वहां से बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इस साउंड बार के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ही सारे फंक्शनल बटन्स दिए हुए हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला बटन है इसकी मदद से ही आप इस डिवाइस को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर है वॉल्यूम अप और डाउन का बटन, ये है वॉल्यूम अप का बटन और इस तरफ है वॉल्यूम डाउन का बटन। और दोस्तों यहाँ पर Redmi साउंड बार के नीचे का ये जो टैक्टाइल बटन है, अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो इससे आप साउंड सोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस Redmi साउंड बार के फीचर्स के बारे में भी। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर तो ये है कि हम इसे यूज करेंगे म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पर आपको मिलता है एक 30 वॉट्स का जबरदस्त स्टीरियो स्पीकर सिस्टम, और इसी के साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट भी, जिससे आप बड़े ही आराम से इसे वायरलेस भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इस Redmi साउंड बार की क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप इसे इंडोर में यूज करना चाहते हैं अपने टीवी के साथ या तो किसी और दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस के साथ, तो आपको इससे बहुत ही जबरदस्त आउटपुट मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों ये साउंड बार बाहर आउटडोर यूज करने के लिए बना भी नहीं है, ये इंडोर में ही यूज करने के लिए बना हुआ है। और अगर आप इसके साउंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो साउंड मिला है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर था। अगर मैं इसके वॉल्यूम को बहुत ज्यादा हाई करके फुल भी कर देता था तो कभी भी वॉल्यूम फटता नहीं था। इसमें आपको बहुत ही एक क्रिस्प और क्लियर साउंड मिलेगा। और साथ ही अगर आप इसके बेस लेवल की बात करेंगे तो इसके बेस लेवल भी काफी सही और एक्यूरेट थे।
और दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इसमें मुझे मिला एक जबरदस्त साउंड शिफ्टिंग एक्सपीरियंस। अगर आप कभी मूवीज देखते हैं तो आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिलता है, जहां पर आपको साउंड एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ पता चलता है, जिसका एक्सपीरियंस मैंने इस साउंड बार में बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया। रेडमी का ये साउंड बार बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी है। आप इसे बड़े ही आराम से अपने टीवी के साथ या किसी भी दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस के साथ यूज कर सकते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की साउंड सुनने को मिलेगी। तो अगर आप इस पर मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं तो आपको बोलूंगा कि रेडमी का ये साउंड बार बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की साउंड अपने प्राइस रेंज में प्रोवाइड करता है। सुनने में तो ये आया है कि ये साउंड बार बहुत ही जल्दी इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, पर ये अभी दुबई में केलिमी स्टोर पर अवेलेबल है एक बहुत ही अच्छे स्पेशल ऑफर प्राइस पे। ये आपको केलिमी स्टोर पर मिलेगा सिर्फ 149 दिरहम्स का। मैं इस स्टोर का इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप केलिमी स्टोर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके कोई भी दूसरे क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का पेज है टेक्नोलेजेंड ऑफिशियल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे और भी अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के लेटेस्ट टेक वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए टेक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।